सभी प्यारे साथियों को राधे राधे। प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद खास होने वाली है। आज हम संस्कृत साहित्य की क्लास लेकर आए हैं। संस्कृत साहित्य में कुछ प्रश्न हिंदी TGT और PGT में भी पूछे जाते हैं संस्कृत साहित्य से। संस्कृत साहित्य में तो पूछे ही जाते हैं, UPTET SuperTET में भी पूछे जाते हैं। अर्थात संस्कृत साहित्य के कुछ प्रश्न हिंदी की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और संस्कृत में तो संस्कृत के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो एक श्लोक हमने पहले आपको सुनाया था, आपको याद होगा, वो बात उसी श्लोक से शुरू करते हैं। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयः। काव्येषु नाटकं रम्यं, काव्यों में नाटक रमणीय होता है। TGT 2009 में प्रश्न आया था कि काव्य में सबसे रमणीय विधा कौन सी है, रमणीक विधा कौन सी है, सबसे अच्छी विधा कौन सी है, तो नाटक, क्योंकि वो उसमें दृश्य और श्रव्य दोनों साधनों का उपयोग होता है, दोनों इंद्रियों का उपयोग होता है। तो काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला, नाटकों में रमणीक, नाटकों में सुंदर, नाटकों में अच्छी, सबसे अच्छा ग्रंथ, अच्छी पुस्तक है, अच्छा नाटक है शकुन्तला, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम। तत्राप चतुर्थो अंकः, उस अभिज्ञान शाकुन्तलम में 7 अंक हैं, उन 7 अंकों में चौथा अंक सबसे अच्छा है। तत्राप चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयः, उसमें भी 4 श्लोक बहुत अच्छे हैं। तो आज उसी अभिज्ञान शाकुन्तलम के महत्वपूर्ण तथ्य लेकर हम आए हैं, कुछ सूक्तियाँ लेकर आए हैं। TGT PGT में भी सूक्तियाँ पूछी जाती हैं, UPTET और SuperTET में भी सूक्तियाँ पूछी जाती हैं अभिज्ञान शाकुन्तलम की, और संस्कृत में तो पूछी जाती हैं। तो आज महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए एकदम खास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आपको सही दिख रहा है बोर्ड पे, सही दिख रहा है, राधे राधे की मात्रा नहीं दिखाई दे रही है। चलो कोई बात नहीं, राधे राधे की मात्रा नहीं दिखाई दे रही है, तो अब इसके बाद का तो दिखता है, दिखेगा ही दिखेगा। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं अभिज्ञान शाकुन्तलम, ठीक है। अभिज्ञान शाकुन्तलम, अभिज्ञान शाकुन्तलम पर चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये परीक्षा किन किन परीक्षाओं के लिए ये क्लास उपयोगी रहेगी तो आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। TGT PGT, ठीक, UPTET विशेष रूप से, और SuperTET मतलब STET, और ये TGT PGT हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, ठीक है, इन परीक्षाओं के लिए। और जहाँ भी अभिज्ञान शाकुन्तलम लगा हुआ है, या 12वीं क्लास हो, स्नातक स्तरीय हो, परास्नातक हो, जहाँ भी अभिज्ञान शाकुन्तलम नाटक लगा है वहाँ आपके लिए उपयोगी क्लास होगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रमुख सूक्तियों से, ठीक है। प्रमुख सूक्तियाँ ये बहुत पूछी जाती हैं, इनका अर्थ पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है ये सूक्ति कौन से ग्रंथ से है, इस तरह से पूछी जाती है। अब देखो सूक्ति, यहाँ पर सूक्ति शब्द समझ लो, सूक्ति शब्द कैसे बना है, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, ठीक है। सुकार क्या होता है, अच्छा या अच्छी, ठीक है, और उक्ति का अर्थ होता है कथन या बात, ठीक है, अच्छी बातें, अच्छी बातें सूक्ति कहलाती हैं, ठीक है। जो बातें अच्छी हैं उन्हें सूक्ति कहा जाता है,
तो अभिज्ञान शाकुंतलम में ऐसी बातों का भंडार है, कालिदास के सभी ग्रंथों में सूक्तियों की भरमार है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण सूक्तियों पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले सूक्ति देखते हैं जो बहुत पूछी गई है और बहुत पूछी जाती है। ठीक है, पहले नंबर पर अर्थो हे कन्या परकीय एव, परकीय एव। ठीक है, कहा जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम की सबसे महत्वपूर्ण सूक्ति है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम की सबसे महत्वपूर्ण सूक्ति कह दिया जाए इसे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्थो हि कन्या परकीय एव, पहला प्रश्न तो यही आता है ये सूक्ति लिखी होगी, कहा जाएगा कि किस ग्रंथ से है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से है। ठीक है, कन्या वास्तव में पराया धन होती हैं। कन्या वास्तव में कौन होती हैं? पराया धन। कौन कहते हैं? महर्षि कण्व ऋषि जब वो अपनी पुत्री पाल्य पुत्री शकुंतला का जब विवाह होने के बाद और उनकी विदाई करते हैं तो उनका गला रुंध जाता है, आंखों से आंसू आते हैं, घबराहट होती है। तो वो सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा यति हूँ, मैं इतना बड़ा साधु हूँ और मैं इस दुनिया से विरक्त हूँ, फिर भी मेरी ये स्थिति है। तो जिस माता पिता ने कन्या को जन्म दिया होगा और जन्म देने के बाद अपनी कन्या को विदाई दे रहा होगा, वो माता वो पिता कितने दुखी होते होंगे। तो उसी समय की ये बात है, अर्थो ही कन्या परकीय है। हिंदी क्या है इसकी? कन्या। ठीक है, हिंदी यहाँ लिखे दे रहे हैं कोष्टक में, कन्या वास्तव में पराया धन होती है। कन्या वास्तव में पराया धन होती है। ठीक है, माता पिता पालते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। ठीक है, और फिर विवाह होता है, पति के घर चली जाती है, बेचारे माता पिता रह जाते हैं तड़पते हुए। ठीक है, तो कन्या वास्तव में पराया धन होती है। यदि इसका अर्थ पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कन्या वास्तव में पराया धन होती है। ग्रंथ पूछा जाएगा किस ग्रंथ से है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से है। और पूछा जाए लेखक का नाम तो आप बता देंगे कालिदास। ठीक है, अब दूसरी सूक्ति देखिए, यहाँ हम प्रमुख सूक्तियाँ यहाँ पर हम उन्हें भी लिखे दे रहे हैं। कालिदास की, ठीक है, एक बार में ही कालिदास की भी लिखे दे रहे हैं। ठीक, चलो अब दूसरी सूक्ति है, अहो कामी स्वताम पश्यते, स्वताम पश्यते। बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है ये भी, अहो कामी स्वताम पश्यते। ठीक है, अहो कामी स्वताम पश्यते। ठीक, पूछा जाए इस सूक्ति के लेखक कौन है, तो कालिदास हैं। किस ग्रंथ से है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से है। और यदि अर्थ पूछ लिया जाए तो अर्थ बताएंगे कामी सर्वत्र, कामी सर्वत्र अपना ही भाव देखते हैं, कामी सर्वत्र अपना ही भाव देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है, कामी सर्वत्र अपना ही भाव देखते हैं या देखा करते हैं। ठीक है,
इस सूक्ति में कालिदास कहते हैं कि जो काम से पीड़ित होते हैं ऐसे पुरुष या ऐसी स्त्रियां भी, वैसे मुख्यतः पुरुषों के लिए आई है, तो ऐसे पुरुष सर्वत्र अपना ही भाव देखते हैं। सामने से किसी लड़की ने मुस्कुरा दिया तो उस मुस्कुराहट का अर्थ समझेंगे कि कुछ अलग अर्थ लगाएंगे, कुछ कह दिया तो उसका अर्थ अलग लगाएंगे, ठीक है देख भी लिया तो उसका अर्थ भी, जो कामी होंगे उसका अर्थ अलग लगाएंगे, मतलब काम के अर्थ में लगाएंगे, प्रेम के अर्थ में लगाएंगे। तो क्या है कि जो कामी होते हैं वो सर्वत्र जो हाव भाव या उन्हें जो भी सामने दिखाई देता है उसमें वो अपना काम भावना ही देखते हैं, कामी सर्वत्र अपना ही भाव देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है, ठीक है अर्थ समझ गए होंगे आप। अब देखो तीसरी सूक्ति, तीसरी सूक्ति है वामा कुलस्याधया। देखो बहुत छोटी सूक्ति है, वामा कुलस्याधया, वामा कुलस्याधया बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है, ठीक है वामा कुलस्याधया। इसका अर्थ क्या है ये भी समझ लो, थोड़ा सा ऊपर करे ले रहे इसे इतना, ठीक है वामा कुलस्याधया का अर्थ क्या है, तो ये जो वामा कुलस्याधया है इसका अर्थ होता है कि जब स्त्रियां विपरीत आचरण करती हैं तो वो कुल के लिए घातक होता है। विपरीत आचरण मतलब किसी भी कुल की स्त्रियां, किसी भी कुल की लड़कियां समाज के विपरीत आचरण करती हैं तो वो कुल के लिए घातक होता है, ऐसा कहा है किसने, कालिदास ने, ठीक है कौन से ग्रंथ में, अभिज्ञान शाकुंतलम में। विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, ठीक है मान मर्यादा को तोड़कर, ठीक है विपरीत का आशय क्या है यहाँ, मान मर्यादा को तोड़कर विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कुल के लिए विपत्ति का कारण बनती हैं, विपत्ति का कारण बनती हैं। महत्वपूर्ण सूक्ति है, ठीक है अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ से है, सभी परीक्षाओं के लिए है, यूपी टेट के लिए भी है, सुपर टेट के लिए भी है, हिंदी टीजीटी के लिए भी है, हिंदी पीजीटी के लिए भी है, संस्कृत टीजीटी के लिए भी है, संस्कृत पीजीटी के लिए भी है, ठीक है संस्कृत के नेट और संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है, ठीक। तो विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ कुल के लिए, कुल के लिए विपत्ति का कारण बनती हैं, ठीक है यहाँ पर हम लगाएंगे एक चिन्ह क्योंकि यहाँ एक शब्द छूट गया है, उसे हम यहाँ लिखेंगे, इस चिन्ह का नाम क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है आप आज की क्लास आपको कमेंट बॉक्स में आप अर्थ बताओ तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे विकल्प नहीं है, छोटे प्रश्न नहीं है, संस्कृत के भी प्रश्न नहीं है, तो हो सकता है आपको कुछ ऐसा लगे कि हम क्या कमेंट करें, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो कमेंट करते ही रहिए, ठीक है अगली देखो, अगली सूक्ति है अति स्नेह पाप संकी, अति स्नेह पाप संकी, ठीक है बहुत महत्वपूर्ण, अति स्नेह बहुत महत्वपूर्ण, कालिदास की सूक्ति है, अभिज्ञान शाकुंतलम से है, ठीक है अति स्नेही पाप संकी, अति स्नेह पाप संकी, ठीक। तो अति स्नेह पाप संकी का मतलब क्या है, स्नेह माने होता है प्रेम, अति माने होता है अत्यधिक, पाप माने होता है
पाप का आशंकी, पाप की आशंका करता है, अत्यधिक स्नेह पाप की आशंका करता है। कहने का मतलब है यदि आपको किसी के प्रति अत्यधिक स्नेह है तो जरूर वहाँ पाप होने की आशंका होती है, ऐसा मानना है कालिदास का। ठीक है, चलो इसका अर्थ अत्यधिक स्नेह अर्थ समझ लो, इसका अत्यधिक स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम, पाप की आशंका करता है, पाप की आशंका करता है। देखो गूढ़ बातें हैं, जीवनोपयोगी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, गहरी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, सूक्तियाँ हैं। अति स्नेह, अत्यधिक स्नेह पाप की आशंका करता है। चलो अब पांचवी सूक्ति देख लो, कालिदास, कालिदास की सूक्तियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, ठीक है, न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, ठीक है। इधर भी इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ भी समझ लो ऐसे, विद्वानों के लिए, विद्वानों के लिए कोई भी चीज, कोई भी चीज अज्ञात नहीं, विद्वानों के लिए कोई भी चीज अज्ञात नहीं है, ठीक है। विद्वानों के लिए कोई भी चीज अज्ञात नहीं होती, ठीक है, होती चाहो तो और लिख लो, नहीं केवल इतना ही लिख लो। अब देखो क्या है, कई बार क्या होता है, कुछ लोग ये कहते हैं अन्यथा मत लेना, हम अपने ऊपर जो हमारे ऊपर जो हमने महसूस किया है बीती, उसको ही आप बीती, खुद बीती, जग बीती नहीं बता रहे हैं, आप बीती बता रहे हैं। क्या कि ऑफलाइन बैच में जब हमने पढ़ाया, पढ़ाना शुरू किया, जिस तो यूपीटेट के लिए हमने पढ़ाया, सबसे पहले जो बैच ऑफलाइन चलाया उसमें हमने ही हिंदी पढ़ाई, हमने ही संस्कृत पढ़ाई, हमने ही पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ाया, और हमने ही संस्कृत पढ़ाई, पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ाई, हमने ही गणित भी पढ़ाया, हमने ही पांचों विषय पढ़ाए, पांच विषय आते हैं प्राइमरी में, हिंदी संस्कृत ठीक है मनोविज्ञान, तीन हो गए पर्यावरणीय अध्ययन और गणित, पांच हो गए। तो मनोविज्ञान भी हमने ही पढ़ाया, हिंदी भी हमने ही पढ़ाई, तो क्या हुआ, परिणाम तो अच्छा आया, बहुत अच्छा आया, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा आया, ठीक है। जितने बच्चे थे, एक दो फेल हुआ, दो चार फेल हुए, लगभग सब पास हो गए, लेकिन पूरे शहर में क्या हुआ, शहर वाले कोचिंग संस्थानों ने लिख दिया ऐसे कोचिंग संस्थान से दूर रहे जहाँ एक ही शिक्षक सारे विषय पढ़ाता हो। अरे भाई, सारे विषय पढ़ाने की जिसमें क्षमता होगी, जिसमें योग्यता होगी, वही तो पढ़ा पाएगा। अब आप एक नाम ले लीजिए अरस्तु का, ठीक है, आप जब भी हिंदी पढ़ेंगे तो आपको
उच्च स्तर पर हिंदी पढ़ेंगे, आप पीजी स्तर पर हिंदी पढ़ेंगे तो आपको अरस्तु पढ़ना ही पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट के लिए, पीजीटी के लिए आपको अरस्तु पढ़ने पड़ेंगे। संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको अरस्तु पढ़ने ही पड़ेंगे, दो विषय हो गए। आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे आपको अरस्तु पढ़ने ही पढ़ेंगे, 100% अरस्तु का योगदान है मनोविज्ञान में भी। शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे तो आप अरस्तु को अवश्य पढ़ेंगे। आप राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे तो आप अरस्तु के विचारों को बिना पढ़े राजनीति विज्ञान पूरा नहीं पढ़ सकते। यदि आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, यदि आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, यदि आप इनके अलावा दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, बहुत से विषय हैं जहाँ यदि आप पढ़ेंगे तो अरस्तु को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कहने का मतलब उनको ये कहो कि अरस्तु केवल एक ही विषय में है, नहीं, विद्वान थे वो, अर्थात उन्हें हर विषय की जानकारी थी, तो इसलिए जो विद्वान होते हैं उन्हें एक से अधिक विषयों की अच्छी जानकारी हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि हम विद्वान हैं, लेकिन हम तो विद्यार्थी हैं। अरस्तु तो बहुत महान थे, बहुत बहुत महान थे। तो बस हम एक उदाहरण दे रहे थे। तो क्या है कि जो विद्वान होते हैं, आप में से जो वीडियो देख रहे हैं, जो विद्वान हैं, आप में से जो मेधावी हैं, प्रतिभाशाली हैं, एक से अधिक विषयों में आपको कमांड होगी, आपको अच्छी जानकारी होगी। अब हम साइकोलॉजी क्यों न पढ़ाएं? हमने बीएड किया है, हमने एमएड किया है, हमने नेट किया है, और यदि आप जिस सब्जेक्ट में नेट कर लें तो आप समझ लीजिए उसे पढ़ाने के लिए आप मास्टर नहीं, मास्टरों के मास्टर हैं। पीजी करने पर ही, एमएड करने पर ही आप मास्टर हो गए, मास्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो मैं तो नेट हूँ तो क्यों नहीं पढ़ा सकता मनोविज्ञान। संस्कृत में मैं एमए हूँ, संस्कृत में 98% मार्क्स के साथ एमए हूँ, तो मैं संस्कृत क्यों नहीं पढ़ा सकता? बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ, मुझे विश्वास है और मैंने पढ़ाया है, और हमारे पढ़ाए हुए बच्चों के 30 में से 30 नंबर आए यूपी टेट में और 10 में से 10 आए सुपर टेट में। हिंदी क्यों नहीं पढ़ा सकता? हिंदी में भी 2 बार JRF किया है, 4 बार नेट किया है, TGT में टॉप किया है, PGT में 11वीं रैंक आई है। इसके अलावा निम्न स्तर से उच्च स्तर तक MA में, BA में, हर स्तर पर अच्छी अच्छी तैयारी की है, कई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। TGT में भी 2-3 परीक्षाएं क्वालिफाइड करने के बाद मतलब छोड़ दिया, तो हिंदी क्यों नहीं पढ़ा सकते? 3 विषय हो गए। पर्यावरणीय अध्ययन, यदि आप नेट की परीक्षा देंगे या कोई भी परीक्षा देंगे तो वहाँ पर्यावरणीय अध्ययन लगा रहता है, आप अच्छी गंभीरता से तैयारी करेंगे तो आप पर्यावरणीय अध्ययन को भी अच्छे से कर सकते हैं। गणित हमने 12वीं तक पढ़ा था, लेकिन यूपी टेट की परीक्षा में गणित पार्ट में हमारे 30 में से 30 अंक आए, तो क्यों में 30 में से 30 अंक आने पर गणित पढ़ाने के योग्य क्यों नहीं होऊंगा? बिल्कुल होऊंगा, जब 100% अंक आ रहे हैं इसका मतलब गणित में पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने गणित भी पढ़ाया है, मैंने हिंदी भी पढ़ाई है, मैंने संस्कृत भी पढ़ाई है, मैंने समाजशास्त्र भी पढ़ा है और पढ़ा भी रहे, अभी भी पढ़ा रहे हैं समाजशास्त्र। मैंने शिक्षा शास्त्र भी खूब पढ़ाया है, मैंने मनोविज्ञान भी खूब पढ़ाया है, मैंने संस्कृत भी खूब पढ़ाई है, पढ़ा भी रहे, हिंदी भी खूब पढ़ी और पढ़ाई है, तो बहुत अच्छी बात है। न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम। अगला है अगली सूक्ति, 5 हो गई, 6 देखो, ठीक है, 6 किमें भी मधुराणाम किम धन एव, संधि हो रही है, किम भी मधुराणाम, ठीक है, किम धन एव, किम भी मधुराणाम मंडनम नाकटी नाम, मंडनम नाकृति नाम, किमे भी मथुराणाम मंडनम नाकृति नाम, इसका अर्थ क्या है? चलो अर्थ भी जान लो, इसका क्या अर्थ है,
ठीक है, तो इसका अर्थ है सुंदर आकृतियों के लिए, सुंदर आकृतियों के लिए, आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु, कौन सी वस्तु अलंकार या आभूषण, एक ही बात है, कुछ भी कह लो, आभूषण नहीं होती, कौन सी वस्तु आभूषण नहीं होती, मतलब सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती। देखो, एक तो आपने ऐसा कहते हुए सुना होगा लोगों को, अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो जो पहन लो वही अच्छा लगता है, अरे वो तो बहुत सुंदर है, वो तो जो पहन ले उसे वही अच्छा लगता है, किसी बच्चे के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी स्त्री के प्रति, किसी लड़के के प्रति, किसी के भी प्रति ऐसा आपने हो सकता है, लोग कहते हैं कि वो तो जो पहन ले वही अच्छा लगता है, जो धारण कर लें, कानों में जो पहन लें, बालों में जो पहन लें, ठीक है, तो क्या है कि जो सुंदर आकृतियां हैं वो जो भी धारण कर लें वही उनके लिए आभूषण है, जो मतलब जो विशेष सुंदर हैं, ठीक, तो वो जो भी धारण कर लें, अब जैसे शकुंतला बहुत सुंदर थी, अब शकुंतला जो भी धारण कर ले वो उसके लिए आभूषण ही है, शकुंतला कानों में, बालों में, अपने हाथों में, पैरों में जो भी धारण कर ले वो उसके लिए सब आभूषण ही हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख सूक्तियाँ कुछ हो गई, छह सूक्तियाँ हो गई, ठीक है। अब कुछ अन्य तथ्य, अन्य तथ्य, ठीक है, काय से संबंधित, इसी ग्रंथ से संबंधित, ठीक, कौन से ग्रंथ से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, ठीक है, अन्य तथ्य, चलो चलो भाई अन्य तथ्य पर, पहला एक प्रश्न आता है, दुर्वासा ने जो शकुंतला को साप दिया था वो किसके कहने पर साप में लघुता आई, किसके कहने पर साप कम किया गया, साप को कम कर दिया था दुर्वासा ने, तो ये प्रश्न आता है, तो हम इसको पहला पॉइंट बनाकर रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रियंवदा के कहने पर, प्रियंवदा का मतलब प्रिय बोलने वाली, प्रियंवदा के कहने पर, के कहने पर दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा के साप में कमी आई, दुर्वासा के साप में कमी आई, ठीक है। साप को कम करने के लिए दुर्वासा से किसने अनुरोध किया था, इसका मतलब ये है, तो प्रियंवदा ने अनुरोध किया था कि मेरी सखी ने साप क्यों दिया था, आपको पता होगा, प्रियंवदा ने अनुरोध क्यों किया था ये पता होगा, जो शकुंतला थी वो दुष्यंत से बहुत प्रेम करती थी, दुष्यंत उसे छोड़ के चला गया था, तो उसे याद कर रही थी बेटी, तब महर्षि दुर्वासा भिक्षा मांगने जाते हैं उनके दरवाजे पर, कहते हैं भिक्षाम देही, लेकिन वो अन्य मनस्क थी, उसका मन दुष्यंत की ओर था, इसलिए उसने सुन नहीं पाया, तो उसने दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझकर उसे साफ दे दिया कि तू जिसे याद कर रही है वो तुझे वैसे भूल जाए जैसे कोई शराबी व्यक्ति शराब के नशे में कही हुई बात को भूल जाता है। तो वो उस साप को कम करने के लिए फिर प्रियंवदा ने उनसे अनुरोध किया था दुर्वासा ऋषि से, तब वो साप कम किया गया था कि मतलब कोई ऐसी वस्तु दिखा दी जाए जो उसने दी है, अभिज्ञान दिखा दिया जाए तो साप समाप्त हो जाएगा, ये लगता ही थी समाप्त, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा पॉइंट, अभिज्ञान क्या है, अभिज्ञान, ठीक है, क्या है, अंगुलीयक,
अंगुलियक। अभिज्ञान क्या है? अंगुलियक मतलब अंगूठी। अंगूठी दे के गए थे दुष्यंत कि ये अंगूठी मेरी, मुझे दिखा देना। ठीक है, अर्थ क्या होता है इसका, अभिज्ञान का? इसका अर्थ होता है जिसके द्वारा पहचाना जाता है। अभिज्ञान जिसके द्वारा पहचाना जाता है, पहचाना जाता है, जिसके द्वारा पहचाना जाता है, यह है अभिज्ञान। ठीक है, अब देखो तीसरा, तीसरा देख लो, तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण पूछा जाता है, अदिति कौन थी इसमें? अदिति जो पात्र है वो कौन है बताओ। तो इसमें जो अदिति पात्र हैं वो कौन है? वो है महर्षि मारीच की पत्नी। ठीक है, मारीच की पत्नी। ठीक, इसके बाद चौथा पॉइंट अगला है, चतुरिका कौन है ये पूछा जाता है, चतुरिका। ठीक है, इसी के साथ एक और पूछा जाता है, परभृतिका कौन है? परभृतिका अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में परभृतिका कौन है? एक और इसी के साथ पूछा जाता है, मधुरिका कौन है? ठीक है, ये सब का है, का चतुरिका, परभृतिका और मधुरिका, ये तीनों कौन है? तो ये तीनों दुष्यंत की सेविकाएं हैं। ठीक है, कौन है ये? दुष्यंत की परिचारिकाएं या सेविकाएं या दासियां। ठीक है, सेवा करने वाली हैं, राजा थे दुष्यंत तो उनकी सेवा करने वाली सेविकाएं हैं, उनके ये नाम हैं, बहुत पूछे जाते हैं, चतुरिका, परभृतिका और मधुरिका। ठीक है, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, चार पांचवा मतलब एक प्रश्न आता है कि उस औषधि का नाम बताइए जिससे अपने पुत्र की, जिससे अपने पुत्र की पहचान की थी, किसने? दुष्यंत ने। मतलब जिस औषधि से अपने पुत्र की पहचान की जा सकती है। आजकल तो वैज्ञानिक तरीके से डीएनए टेस्ट कराया जाता है कि अपना पुत्र है या नहीं, या किसी का भी, जिसका भी पुत्र है उसका डीएनए से जांच हो सकती है। लेकिन पहले पुराने चाल का डीएनए कौन सा था? उस औषधि का नाम बताइए जिससे अपने पुत्र की पहचान होती है, बताओ, कमेंट करो। उस औषधि का नाम बताइए जिससे अपने पुत्र की पहचान होती है। ठीक है, तो ये है अपराजिता। क्या है? अपराजिता। ठीक, नोट रखेंगे, अपराजिता, अपराजिता नामक औषधि से, नामक औषधि से अपने पुत्र की पहचान करता है, अपने दुष्यंत अपने पुत्र की पहचान करता है। ठीक है, कि ये मेरा ही पुत्र है, ये अपराजिता नामक औषधि से कन्फर्म हुआ कि हाँ ये मेरा ही है। चलो, अब ये है छठा, अगला पॉइंट, जो दुष्यंत को उसका पुत्र मिला जिसका नाम सर्वदमन था, बाद में भरत रखा गया, तो जो सर्वदमन कहाँ मिला? ठीक है, ये पूछा जाता है, तो हेमकूट पर्वत पर, हेमकूट पर्वत पर। ठीक है, पर्वत का नाम याद रखना है, क्या है? हेमकूट पर्वत पर मारीच आश्रम में। किनके आश्रम में? आश्रम भी पूछा जाता है,
मारीच आश्रम में, मारीच आश्रम में हेमकूट पर्वत पर मारीच आश्रम में सर्वदमन सर्वदमन मतलब भरत, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सर्वदमन ठीक है, सर्वदमन को दुष्यंत देखता है, सर्वदमन को दुष्यंत देखता है ठीक है, दुष्यंत देखता है मतलब दुष्यंत को मिलता है, कहाँ देखा था दुष्यंत ने अपने पुत्र को, तो मारीच आश्रम में ठीक है, ये कहाँ था मारीच आश्रम, हेमकूट पर्वत पर, ये प्रश्न बहुत आता है ठीक है। अगला है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सारे ही तथ्य महत्वपूर्ण हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम से ठीक है, मेनका की सखी सानमती, मेनका की सखी ठीक है, क्या नाम है उसका, सानमती ठीक है, बहुत पूछी जाती है सखी का नाम क्या था, मेनका की सखी का नाम क्या था, सानमती ठीक है, मेनका की सखी सानमती गुप्त वेश में जाकर, गुप्त वेश में जाकर राजा की वेदना देखती है, राजा की वेदना देखती है, वेदना देखती है, मेनका की जो सखी है सानमती गुप्त वेश में जाकर राजा की वेदना देखती है, प्रश्न ये आता है कि राजा की वेदना को देखने के लिए कौन गई थी, तो कौन गई थी, मेनका की सखी गई थी ठीक है, जिसका नाम था सानमती। अब जो अंगूठी थी को कौन सी मछली ने, रोहित मछली ने निगल लिया था ठीक है, रोहित मछली ने निगल लिया था ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, किसने निगला था, मछली ने, कौन सी मछली ने, तो रोहित मछली ने ठीक है, अंगूठी को रोहित मछली ने निगल लिया था, याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण ठीक है। जब शकुंतला को दुष्यंत ने नहीं पहचाना, तो शकुंतला जब वापस जा रही थी तब उसे कौन उठा ले गया, ये प्रश्न आता है, तो जब शकुंतला को दुष्यंत ने नहीं पहचाना, तो शकुंतला वापस जा रही थी तब शकुंतला की माँ मेनका शकुंतला को आकाश मार्ग से उठा ले गई थी, उठाकर आकाश मार्ग से ले गई थी, ये प्रश्न लंबी वार्ता होगी इसलिए नहीं लिखा है ठीक है। अगला दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह किया था, ये बहुत पूछा जाता है ठीक है, कैसा विवाह किया था, गांधर्व विवाह जिसे आजकल लव मैरिज कहते हैं, गांधर्व विवाह किया था ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कैसा विवाह किया था, तो गांधर्व विवाह किया था दुष्यंत और शकुंतला ने ठीक है। अगला है
विवाह के समय महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? ठीक है, विवाह के समय या जब दुष्यंत आश्रम पहुंचा था तब महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? तो दुष्यंत आश्रम पहुंचे तब महर्षि कर्ण ये थे शकुंतला के पालक पिता, सोम तीर्थ गए थे। ये सोम तीर्थ बहुत पूछा जाता है, कहाँ गए थे? सोम तीर्थ गए थे। ठीक है, कहाँ गए थे पूछा जाएगा तो सोम तीर्थ गए थे, वो यहाँ थे नहीं अपने आश्रम में। ठीक है, जब शकुंतला का विवाह हुआ उस समय नहीं थे। और कैसे पता चला था? तो पता चला था आकाशवाणी के द्वारा। ठीक है, कैसे पता चला था विवाह का? पता कैसे चला था? आकाशवाणी के द्वारा। ठीक है, शकुंतला को साप किसने दिया था? तो शकुंतला को दुर्वासा ने साप दिया था, महर्षि दुर्वासा। ठीक है, महर्षि दुर्वासा ने साप दिया था, ये बहुत पूछा जाता है, साप दिया था। ठीक है, किनकी पुत्री थी? मेनका की। शकुंतला किनकी पुत्री थी? मेनका की। ठीक है, अगला है अब इसमें अभी बहुत सारे पात्र भी रह गए हैं, क्लास बड़ी हो रही है तो अब ज़्यादा बड़ी क्लास न करते हुए बस यही इस क्लास को रोके दे रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, शकुंतला को दुर्वासा ने साथ दिया था, इस क्लास में इतना ही। वैसे महत्वपूर्ण पात्र भी बचे हैं, वो इस क्लास में करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। महत्वपूर्ण तथ्य और सूक्तियाँ हो गई, आशा और विश्वास है कि आप इसे पढ़कर जरूर लाभ उठाएंगे। ठीक है, इसकी PDF चाहिए तो प्रद्योत गोकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और क्लास आपको कैसी लगी ये आप एक मैसेज करके अवश्य बताइए, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक है, मिलेंगे एक और अच्छी क्लास के साथ, तब तक राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, प्रद्योत गोकुल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।